राम राम भैया, हमार नाम है अटल तिवारी और किताबी दुनिया में आप सबका हम स्वागत करी थे। भैया जब हम अपन छोट रहन 20 वर्ष पहले के बाद याद करो गांव में यहाँ, या 30 वर्ष पहले के याद करो, या जो माता पिता आपके हैं वो अगर 10 वर्ष पहले के याद करें, तो छोट छोट लड़का जब लड़का बेटिया जब तंग करते रहें उनका, या परेशान करते रहें, या रोवत चिल्लाते रहें, या सोवे में यहाँ ध्यान करते रहें, तो अम्मा नानी और दादी कहती रहा भैया या बिटिया सो जाओ ना, भकौआ आ जाई या झोरिया वाला बाबा आ जाई, तो लड़का बिटिया सब डरा जात रहे और वो भकौआ और झोली झोरिया वाले बाबा के डर में सो जात रहे, या जो है जिद करब छोड़ देते रहे, या रो बंद कर देते रहे और ख्याल कूदे में मशगूल हो जात रहे। अभी कुछ दिन पहले भैया होली के छुट्टी में है गाँव गन, तो हमारे यहाँ चाची जो है बड़ी कड़क मिजाज हैं, उनके हम घर गन, तो चाची के मतलब छोटकैया बिटिया जो है वह जो है 2.5 वर्ष के, तो हम उनके कमरम बाहर बैठ रहन, तो रिमोट रखा रहा, हम रिमोट चलाए दिया, रिमोट चलाए दिया तो रिमोट पर जो है एक टीवी चैनल लाग रहा है, और उनके जो भैया बड़े जो है स्टार एंकर बताए जाते हैं वही उमा नमूदार हुई गए, और वह बिटिया वह कमरा में यहाँ रहा है, हुआ जो है दरवाजा चिपक गए मारे डर के और रोवे लाग भैया, तब तले जो है और वह अति तेज रोई कि जो है चाची अंदर से आई गई, इनका हुई का बिटिया, तो हम कहें चाची हम तो कुछ कहन नहीं, हम तो अब हैं आए ना, हम तो तुमते मिले हैं ना, हम सोचे ना तेने बिटिया खिलाई, और या तो मतलब जैसे हम टीवी चलाए ना वैसे रोवे लाग बहुत भयानक, तो कहना अरे यू तुम का की हो टीवी का है चलाए दी हो, अरे भैया, तो हम कहें का चाची होगा, तो कहें अरे भैया ये टीवी देखते रोवे लागते है, जैसे न्यूज चैनल कोई लगाए थे वैसे रोवे लागते है, चिंगाड़ी मारे लागते, तो हम कहें चाची यू का है, कहें अरे भैया ये टीवी के भगवान है, पहले जैसे तुम पंच छोट रहा हो तो डरवावा जाता रहा है, कहा जाता रहा है कि जो सो जाओ नहीं चिल्लाओ ना दुंद ना करो, नहीं टीवी के भकुआ आई जी हैं, झुरिया वाले बाबा आई हैं उठाए ले जी हैं हुआ जंगल मैया बहुत मरी हैं, तो भैया लेकिन अब वही भकौआ नहीं रही हैं, अब उनते ही बड़े भकौआ टीवी वाले हुए गए हैं, तो ये जो फर्नव गोस्वामी हैं इनका भैया दौरा पड़त है, तुम ना जानते हो, तुम टीवी ना देखते हो का, और इनका दौरा पड़त है, ये चिल्लाए लागत हैं, ये कूदे लागत हैं, तो बिटिया जो है बहुत डरा जाते है, बिटिया इनका टीवी वाले भकौआ के तौर पर देखते है कि भैया ये टीवी वाले भकौआ ये लड़ते हैं, ये चिल्लाते हैं, ये कूदते हैं, तो हम कहें और चाची और कौन कौन ईमान भकौआ आवत है, तो कहें भैया याक अमिस फेवगन आवत है, अरे भैया वो तो बस चिल्लाते हैं कि जवाब दो जवाब दो जवाब दो, अरे वो तो जो है बिल्कुल लगा थी कि उनके जो है खून सवार हो जाती, वो इतना चिल्ला था लगा था कि धरती उल्टी दहाए, अरे टी भैया बिटिया तो बिटिया एक दिन तुम्हार चाचा चाचा जो है बिस्तर से ने कूद पड़े, कहीं उसा टीवी तेने कूद के हाई कमरा में आई जाई मर्द करो सारे कहा टीवी, अरे हम कहें अरे चाची यू तो बड़ा गजब है, तो कहें भैया अरे अतने नहीं यहाँ चुबिका लियाकत होती है, तो कहें अरे उनके तो भैया कैसेट फिट है, हम कहें का है चाची, कहें अरे तबलीकी जमात क्या भैया नाव लेत हुई जो है तबलीकी जमात क्या जहाद तबलीकी जमात का जहाद तबलीकी जमात का जहाद, वही जो चिल्लाए लगती हैं, अरे लगत है कि उनके पूरे दिमाग हम कैसेट फिट हो गया तबलीकी जहाद क्या और मुसलमानन क्या, और नाव लेते हैं खान हुई चिल्लाए लगती हैं, और लगत है कि टीवी तेने कूद कहा और जो सामने बैठे हुई हमें को मार डे हैं बिटिया को मार डाल तुमने चाचा को मार डाल, तो भैया इनसे जो है अरे टीवी न देखब ठीक है, भगवान बचाव इनते या ऊपर कोई शक्ति हो वह बचाव इनसे, ये भाई ये बड़े भकौआ आए, हम कहें और चाची और बताओ, तो कहें भैया यह अंजना ओम मोदी होती हैं और वही तो भैया जो है का बतावा जाए वही नफरत क्या पूरा कारोबार करती हैं, वही नफरत क्या रिकॉर्ड बनाओ मुसलमान शब्द औत और पाकिस्तान शब्द औत लगा थे उनके शरीर हम आग लाग जाते हैं, हाथ फलकारे लगती हैं और जो है मुट्ठी भींचे लगती हैं, अरे दादा उनका रूप देख के, हाँ भैया
तो वो कुछ पूछो ना भाई, टीबी तेने बड़ा डर लगा थी, टीबी के भकौआ चुड़ैलन तेने। तो हम कहें और चाची, कहें भैया और तुम का काका बताइए, पूरी लिस्ट है या कोमाना निसार फान होती है। अरे कोमाना निसार फान वही जो है, जब तक जो है लोग लड़ाई भिड़े न ला गए उनके सामने जो बैठे हैं, जब जब तक वही लोगन का लड़ाई भिड़ाए न दे, मार पिटाई न कराए दे, तब तक उनका चैन न पड़ते है। तो भैया अरे इनसे सबसे भी टीवी ना दिखावत है, ये लड़ाई पे भिड़े क्या पाठ पढ़ावत है, ये हमका तुमका पढ़ावत है। और हम तुम बन मान लो समझदार हो, थोड़े थोड़े हुई तो तब नहीं लड़का बिटे न पढ़ावत है, यह है कि यह बिटौनी बहुत डराए लागे। हम कहें और चाची, कहीं याक फुदीर फौधरी आवत है। अरे वही तो उस आज तक उनका रिकॉर्ड है भैया, सरकार से कबू सवाले न पूछे, वही जब पूछते हैं तब वही जो है वही खत्ता खोद कहीं कहा गाड़ी दे उनका बस लागे। तो जत्ते विपक्ष के दल हैं, विपक्ष के मतलब वैसे तो विपक्ष में भैया आज कोई कोई बचे नहीं है, क्योंकि विपक्ष वाली कोई भूमिका तो भैया बेने बहुते नहीं। तो तुम जानते हो, तुम तो पढ़े लिखे हो ना। हम कहें हाँ चाची, हम पढ़े लिखे नात्र के नाता, हम जानी इतना ही, हम तो चाची टीवन नहीं देखी थी। कहें भैया बहुत निक कर थो देखो ना कि हो यू फुदीर फौदरी है, तो यो आज तक भैया सप्ताह सवाल है कबू ना पूछी से सत्ताधारी मने जो राजपाट करते हैं, तुम तो जानत हो ना। अरे तुम तो जानत हुई हो भैया, तो वो तो जब पूछा थे तब सत्ता के विरोध हम जो लोग होते उन्हें सवाल पूछे थे कि तुम का की हो, तुम का की हो, तुम का की हो। अरे भैया अब ते न पूजा मारन से इनका नाव ले ले हमारे सीना बैठी जाइए और बड़े प्राण चले जाए। हम कहें अरे चाची प्राण न जाए भाई, तुमका बहुत जियक है और टीबी के भगवान तेने, अरे तो जो तुम बतौती हो उनका बचाए रहा है। कहीं या भैया पोहित फरधाना आवत है भैया, इनका तो चैन ही नहीं मिलत है, जब देखो तब मार है काटे के बात करते हैं, और राष्ट्रवाद क्या पता नहीं कौन झंडा उठाए लेकिन भैया खांसी आवे लागत है, इनका सबका नाव सुनी थी ली थी है, तो तुम ते हम का बताइए। पोहित फरधाना जब तक मार काट दंगा फसाद भैया बात नहीं करते, तब तक वो जो है उनका चैन नहीं पड़ते। हम कहें चाची और जो है, कहें यहाँ का भैया वो चीपक फौरसिया आ रे, वो तो भैया बड़ा डरावना है, बड़ा जो है भकौआ है, बड़ा भकौआ, वो तो झिल्ली पहन के आग दिन आएगा, और ऐसा आवा और आंखिन पर पता नहीं का लगा रहा है, लगा कि टीवी से कूद कर बाहर आएगी है, बिटौनी कहा घर गेटुआ दबाए है। अरे वो तो बड़ा जो है दुष्ट है, वो तो टीवी में यहाँ आए गवा बरसाती पहन के, हाँ पता नहीं काका अल्लाह बल्ला बतुआ ला कोई। कहीं भैया या का जो है कोयता कर्मा होती है, वो तो जो है बार फलकारिक डर होती है ऐसे ऐसे ऐसे। अरे भैया का बताई, हमारे तो बार ही नहीं है, तो उनके तो बार ऐसे आवत है कि आगे आ जाते फिर पाछे ले जाते चुड़ैलन तन का। अरे भैया का बताई, और या कुमा आवत है कुमित कवस्थी, अरे वो भैया जब आवत है तो उनका डॉक्टर बताएने कि कबहू जो है राज्य पर जो शासन करते उते सवाल न पूछो, जब पूछो तो मान लो कोई विरोध हो करे कोई मुर्दा सुरदा विरोध में, हाँ उते सवाल पूछो तो मुर्दा उर्दा कबहू पाए जाते हैं, तो वह पर टूट पड़ते हैं भैया तुमसे हम का बताई। तो भैया ये टीवी के भकौआ जो है, ये नए जमाने के टीवी के भकौआ है, पहले जब तुम पंच छोट रहा हो तब भकौआ कह कह डरवावा जात रहा है, और भैया तुम पंच डराए जात रहा हो सोए जात रहा हो, और लोन तेल पहली पहती कुछ होत रहा है तो उका खाए पी के जो है ख्याल ही चले जात रहा हो, लेकिन अब भैया उकी जरूरत नहीं है, या तुम्हार छोटकैया बहन है या जो जो है 2 वर्ष है, लेकिन या टीवी देखते भैया डराए लागत है, ये सब भैया टीवी के नए भकौआ है। तो तुमते भैया तुम बड़ा निक करते हो कि तुम टीवी ना देखते हो, और भैया तुम्हारे बहाने हम सबका सलाह दी थी है कि टीवी न देखो, और टीवी देखो
तो ऊपर कोई फिल्म सिनेमा देख लियो, लेकिन ई चैनलन पर ई भगवन का तो कबहू न देखियो। ई जब सिखाई है, जब मुंह खोली है, जब मुंह खोली है, तब ई जो है भैया मार काट दंगा फसाद, याक समुदाय दूसरे समुदाय से लड़ाओ, यही बातें करते हैं भैया। न तुम देखियो, न तुम अपने आगे वाली पीढ़ी दिखायो। ई नए टीवी भकौआ इनते भैया जत्ता बच पाओ वत्ता नीक है, वह देश और समाज के लिए हितकर है। तो भैया आपो सबका सलाह है, ई टीवी के भकौन तेने बचाओ, अपने अपने और अपने आसपास के समाजन का जो है बचाओ, मार काट से ने बचाओ। और भैया ई टीवी के भकौन के बात आपके समझ में आई हो तो किताबी दुनिया का सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। राम राम।